हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत सारा वेलकम है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक के बारे में। मतलब मैं जब भी कमेंट खोलती हूँ ना, तो मेरे को इससे रिलेटेड कमेंट मिल ही जाता है कि दिया आपके इस हॉस्टल में रहती हैं, कितना रेंट लगता है, आपके हॉस्टल में फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, किस एरिए में आपका हॉस्टल है, और भी बहुत सारी चीज़ें। कुछ लड़कियां तो ये भी बोलती हैं कि दी वो भी पटना आके पढ़ाई करना चाहती है, बट उनको समझ नहीं आता है कि हॉस्टल कहाँ से ढूंढे वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा जो कि आपको चाहिए होता है पटना आके पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो हॉस्टल है वो पटना के पंचमुखी एरिया में है। मतलब बोरिंग रोड का जो एरिया है उधर साइड मेरा हॉस्टल है। उधर से पंचमुखी का टेंपल पड़ेगा, फिर उधर ही गली है बहुत सारा, और यहाँ के हर गली में हर घर में आपको हॉस्टल मिल जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पर आते हो, बैग वैग लेके आते हो कि आपको उसी दिन शिफ्ट होना है, तो भी आपको हॉस्टल ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हर घर में आपको हॉस्टल मिल जाएगा। तो चलिए, ये तो हो गया कि मेरा हॉस्टल कहाँ पे है। तो पंचमुखी के बोरिंग रोड एरिया में है मेरा हॉस्टल। अब देखते हैं कि मेरे को हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली थी। पता है, देखो, अगर आप यहाँ पे आओगे और आपको अगर सिंगल रूम में रहना है, तो फिर आपको ऐसा कंपार्टमेंट वाला रूम ही मिलेगा। मतलब मैंने, या तो आपको किचन वाला रूम मिलेगा या तो आपको कंपार्टमेंट वाला रूम मिलेगा। और कंपार्टमेंट वाले रूम में ना बहुत, मतलब मैंने और भी हॉस्टल देखा तो उसमें ना पेंट किया हुआ रहता था, बट मेरे हॉस्टल में पेंट किया हुआ नहीं है। जो प्लाई रहता है, प्लाई से घिरा हुआ रहता है, तो प्लाई जो रहता है वो पेंट किया हुआ रहता है। तो मतलब उतना पता नहीं चलता है कि कोई, मतलब ठीक है, पता तो चलेगा बट थोड़ा ठीक लगता है, मतलब मैच कर जाता है दीवार और प्लाई, तो उतना भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरा प्लाई है तो थोड़ा पता चलता है कि चलो कंपार्टमेंट वाला ही रूम है। आपको इतना जितना जगह दिख रहा है इतना मिलेगा, इससे छोटा ही मिल सकता है, बट इससे आपको बड़ा नहीं मिलेगा रूम, सिंगल रूम। और यहाँ पे आपको या तो किचन वाला मिलेगा या तो ऐसा ही रूम आपको मिलेगा। और अगर आपको विंडो वाला रूम चाहिए, मतलब मेरा तो पहला प्रायोरिटी था कि मेरे को विंडो वाला ही रूम चाहिए, तो फिर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए, मेरा जो रेंट है वो 6,000 है। मतलब मेरे रूम का रेंट 6,000 है, और मेरे हॉस्टल में सारे सिंगल रूम का रेंट 6,000 है, लेकिन मेरे रूम में विंडो आप देख रहे हो, तो मेरे रूम में विंडो है इसीलिए मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ता है 200 रुपये। तो मेरा टोटल रेंट होता है वो 6,200 रुपये होता है। तो बस यही है कि 6,200 रुपये मेरा रेंट है, और मेरा पंचमुखी के एरिया में हॉस्टल है। और आपको मैं बताऊं कि मेरे को क्या क्या चीज़ें मिली है। तो एक टेबल मिला है, स्टडी टेबल, ये एक, दो रैक मिला है। पहले तो एक ही रैक था मेरे रूम में, बुक सेल्फ एक ही था, बट फिर मैंने आंटी को बोला कि आंटी मेरा एक्स्ट्रा सामान है थोड़ा, तो मेरे को एक और सेल्फ चाहिए, तो आंटी ने मेरे को एक और दिया था सेल्फ। तो मतलब आप मांगोगे तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरे रूम में आपको एक बेड दिखेगा, एक स्टडी टेबल दिखेगा, और चेयर भी है। तो चेयर बालकनी का चेयर है, तो मेरे को जब भी पढ़ना होता है तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, तो कोई रोक टोक ऐसा है नहीं। तो बालकनी का चेयर भी है, और दो रैक है, एक स्टडी टेबल है और एक बेड है। और अगर मैं अदर फैसिलिटीज़ की बात करूँ, तो मेरे हॉस्टल में फ्रिज का सुविधा है और इंडक्शन भी है। तो अगर आपको ठंडा पानी का तो दिक्कत नहीं होने वाला है, और RO भी है, और इंडक्शन है, अगर आपको कुछ बना के खाना है तो आप खा सकते हो। और सबका मतलब फ्लैट वाइज है ना, तो सबका एक फ्लैट का एक इंडक्शन एक फ्रिज है, इस तरीके से है। तो ये रहा मेरा रूम। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ आते हो और आप अगर रूम ढूंढते हो, तो आपको हर टाइप का रूम मिल जाएगा, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम भी आपको मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से आप अपना रूम देख सकते हो कि आपको किस तरीके से कैसा रूम चाहिए। मेरा पर्सनली चॉइस था कि मेरे को सिंगल रूम में ही रहना है, तो इसीलिए मैंने सिंगल रूम ही चूज़ किया था। यहाँ पे आपको रूम बहुत ही छोटा मिलेगा, तो आपको अपने हिसाब से अरेंज करके रखना है कि आपको किस तरीके से अरेंज करके रखना है, आपको कितना सामान वगैरह रखना है, क्योंकि रूम बहुत छोटा छोटा है। पता है, दूसरा हॉस्टल में आपको इससे भी छोटा मिलेगा सिंगल रूम, बट इससे बड़ा नहीं मिलने वाला, ये तो गारंटी है।
हाँ अगर आप किचन वाला लेते हो तो आपको फिर मिल सकता है बड़ा, वो भी किचन कितना बड़ा होगा यार, किचन तो और मेरे को लगता है कि छोटा लगता है। अब मैं बताती हूँ कि मैंने अपने रूम में अपनी बुक्स को कैसे अरेंज करके रखा है। तो सबसे पहले तो आप की टेबल पे देख रहे हो कि मतलब रैक पे देख रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ वगैरह रखा हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पेपर होल्ड करने वाला, गोंद वगैरह सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये रहा मेरा, यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एसी का बुक यहाँ पे रखा हुआ है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ताकि सामने रहे। नीचे देखेंगे तो फिर यहाँ पे कुछ मैगजीन है, एक साइड मेरा पूरा हिस्ट्री का रिसोर्स है, मतलब एक साइड पूरा मैगजीन है, करेंट अफेयर है, मैगजीन है, और एक तरफ पूरा हिस्ट्री का रिसोर्स है। और पता है मैं क्या करती हूँ, मैं मेंस और प्री दोनों का जो रिसोर्स है उसको एक साथ रखती हूँ सब्जेक्ट वाइज। मतलब अगर हिस्ट्री हिस्ट्री का मैंने रखा है तो वहाँ सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको हिस्ट्री मिलेगा, उसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। और हिस्ट्री का हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब कुछ। इधर कुछ डायरीज वगैरह है, कॉपी वगैरह है जो एक्स्ट्रा हो जाती है ना उस टाइप की, उधर साइड पेज वगैरह रखा हुआ है, क्वेश्चन सेट वगैरह कुछ कुछ रखा हुआ है ताकि मेरे को ढूंढना ना पड़े। यहाँ पे साइंस का सारा रिसोर्स रखा हुआ है, इधर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में भी सारा प्री और मेंस दोनों का एक साथ रखा हुआ है। तो इस आप भी ऐसे ही रखा करो ताकि जब भी आप कोई ढूंढो ना तो आपको ढूंढना ना पड़े। फिर यहाँ ऊपर में आपको मिलेगा एक साइड ज्योग्राफी है, ये सारा यहाँ पे इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी है एक साथ, प्री और मेंस दोनों का रिसोर्स है, और एक साइड पॉलिटी है। और भी अगर तो इसी तरीके से आप अपनी भी किताबें अरेंज कर सकते हो कि सब्जेक्ट वाइज किताबें एक जगह रहे, मतलब मेंस और प्री की एक जगह, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो एक जगह रहे ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। और पता है मेरे रैक में एक कोने में ये छोटा सा रैक लगा हुआ था, तो एक के ऊपर मैंने डेली यूज़ वाले कपड़े रखे थे और नीचे वाले पे बुक रखा था। और ये रहा मेरे विंडो से बाहर का नज़ारा, तो आप देख रहे हो कि मेरा रूम कैसा है और मैंने कैसे इसको डेकोरेट करके रखा है। मतलब मैप वगैरह तो ज़रूरी है, मतलब मैप तो होता है ना कि यूपीएससी और बीपीएससी एस्पिरेंट के रूम में तो मैप होना ही चाहिए। तो मैंने एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप लगा के रखा है बड़ा वाला, और एक इंडिया का मैंने ज्योग्राफिकल मैप लगा के रखा है छोटा वाला। बड़ा वाला तो जगह ही नहीं है लगाने का, मतलब दोनों मैप के अलावा भी आपको कोई जगह नहीं मिलेगा कि अब मैं कहीं और भी मैप लगा पाऊँ, एक भी अब जगह नहीं है। तो मैंने इसलिए छोटा वाला लगाया है ज्योग्राफिकल वाला, और पॉलिटिकल मैंने बड़ा वाला लगाया है, और एक मैंने वर्ल्ड का मैप लगाया है। और पता है मेरे को मनी प्लांट बहुत पसंद है, आपको भी पता होगा कि अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा होगा तो आपको भी पता होगा कि जब मैं घर से पढ़ाई करती थी, यहाँ तो मैं 3 मार्च को आई ना, जब मैं उसके पहले घर पर पढ़ाई करती थी तो मैंने वहाँ भी मनी प्लांट रखा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ भी रखा है। और ये कुछ पेन है मेरे पास, बहुत ही क्यूट क्यूट सा, मेरे को ऐसा ऐसा पेन बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे को कहीं भी दिखता है तो वो मैं खरीद लेती हूँ। और पता है ये जो आप गुलाब देख रहे हो ना, ये ना मेरे बर्थडे के दिन यहाँ पे पंचमुखी टेम्पल जो है वहाँ पे जाके मैंने हनुमान जी को चढ़ाया था, तो वहाँ पे पंडित जी बोल रहे थे कि ये गुलाब तुम चढ़ा दी तो इसको अब जमा कर दो, मतलब चढ़ा दो वहीं पे छोड़ दो। तो मैंने बोला कि नहीं हम ले जाएंगे इसको, तो हम उस टाइम से ही अपने पास रखे हैं और सूख चुका है पूरा। तो मेरा बर्थडे आता है 12 मार्च को, तो 3 मार्च को मैं यहाँ आई थी, 12 मार्च को मेरा बर्थडे था। तो ये पेन है कुछ बहुत ही क्यूट क्यूट से हैं मेरे पास, मेरे को अच्छा लगता है ये सब चीज़, तो मैं इसको रखती हूँ। तो बस और ये मेरा टर्टल है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, घर वाले घर पे जब मैं पढ़ाई करती थी तो वहाँ के स्टडी टेबल पे भी ये था, ये वही वाला है। और इस डब्बे में आपको बहुत सारा कीरिंग दिखेगा, छोटा छोटा कीरिंग वगैरह जो कि मैंने, मतलब मेरे पास बहुत सारा कीरिंग है, मेरे को अच्छा लगता है कीरिंग वगैरह पेन वगैरह क्यूट क्यूट सा चीज़ रखना, तो ये सब कीरिंग है मेरे पास। इसके अंदर जो ये कांच वाला रहता है ना और इसके अंदर जो स्टार भरा हुआ रहता है वो बहुत प्यारा लगता है मेरे को। ये सारी चीज़ें मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, मतलब मैंने ऑर्डर किया था, तो ये स्टिकर है, वॉल स्टिकर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है,
अगर आपको भी अपने रूम में लगाना है तो आप इसको लगा सकते हो। बहुत सारा चीज़ मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ, अधिकतर मतलब ऑनलाइन ही रहता है मेरा। तो मैंने पता है ये वाला ना, मैंने आइसक्रीम खाया था, तो इसका आइसक्रीम खाने के बाद ये इतना प्यारा था मटकी जैसा, तो इसके अंदर मैंने अपना क्लिप्स रखा है। तो ये रहा इधर मेरा थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप का, मेकअप तो नहीं मतलब डेली यूज़ का सामान है, क्रीम वगैरह परफ्यूम वगैरह कुछ भी जो भी होता है। फिर इधर वाले सेल्फ में मैंने सबसे ऊपर वाले पे यही सब रखा है, क्रीम वगैरह, फेस वॉश, बॉडी वॉश वगैरह ये सब। फिर नीचे वाले पे मैंने बर्तन रखा है, बर्तन भी तो चाहिए। थर्ड वाले पे फिर मैंने खाने पीने की कुछ चीज़ें रखी है, और ऐसे ही आपका उसमें 4 कंपार्टमेंट मिलेगा, तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी स्पेशियस भी है। फिर ये मैंने बुद्ध भगवान का जो स्टिकर था ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था। मेरा बहुत सारा सामान ऑनलाइन मतलब मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग मतलब जो भी शॉपिंग करती हूँ ज़्यादा ऑनलाइन ही करती हूँ। और आप देखोगे कि यहाँ का जो फर्श है उस पर आपको टाइल्स नहीं दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा पता नहीं। तो ये रहा मेरा पूरा रूम का लुक, काफ़ी छोटा रूम है, मतलब सिंगल लोगों के रहने के लिए काफ़ी स्पेस है। एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे अरेंज करके रखोगे। मैंने आपको बता दिया कि इसमें मेरा 6200 लगता है, विंडो है इसलिए मेरा 200 एक्स्ट्रा लगता है। बाकी आप देखोगे एक बेड मिला है, 2 रैक मिला है मेरे को, एक टेबल मिला है स्टडी टेबल, और चेयर भी है, तो बालकनी वाला चेयर मैं यूज़ कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। फिर मैंने ना गेट के पास ही लगा के रखा है कि एग्ज़ाम में कितने दिन है, मतलब आज अगर मैं देखो, आज 21 जून है, 21 जून है, आज इंटरनेशनल योगा डे है, और आज से सिर्फ और सिर्फ 100 दिन बच रहा है एग्ज़ाम को लेके, तो मतलब अब बस बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो इसलिए मैंने गेट पे ही चिपका के रखा है ताकि मेरे को सामने दिखे, अगर मैं कहीं भी जाऊँ बाहर, अगर मेरे को लगे कि मेरे को टाइम पास मतलब ऐसा लगे कि हम टाइम पास कर रहे हैं, तो मेरे को सामने दिखे कि नहीं भाई सिर्फ और सिर्फ 100 दिन बचा हुआ है। तो ये रहा मेरा स्टडी टेबल, स्टडी टेबल पर आपको मेरा टैब दिख जाएगा, स्टडी लैम्प दिख जाएगा, एक छोटा सा वॉच दिख जाएगा, और पेन का मतलब पेन वाला मिल जाएगा। उसके बाद बस पानी का बॉटल, अभी शाम के बज रहे थे 5, तो बस यही कुछ चीज़ें हैं मेरे रूम में जो आपको दिखेगी। और एक स्टूडेंट को रहने के लिए और क्या ही चाहिए, मतलब मेरे को लगता है कि मेरे पास कुछ ज़्यादा ही हो गया यहाँ सामान, इससे भी कम में हो सकता है, बट ठीक है अभी। तो यही है मेरा रूम। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड हॉस्टल से रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ एक ग्रुप है, मैं एक ग्रुप का लिंक डालूंगी जिसमें आप ज्वाइन हो जाओगे, तो आपके जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग ज्वाइन हैं, तो आपस में आप लोग अपना प्रॉब्लम जो भी है वो डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हो। तो बस आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय। कमेंट में बताना ज़रूर कि मेरा रूम कैसा लगा आपको। बाय बाय।